बॉलीवुड की शुरुआत यानी कि 50 से 60 के दशक में अपने दमदार अभिनय से अपने फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले जॉनी वॉकर को कौन नहीं जानता। इन्हें फिल्मी दुनिया में मशहूर कॉमेडियन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साल 1951 में अपनी फिल्म बाजी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी, जिसमे 1951 में आई बाजी से लेकर 1955 में आई अलबेली, 1952 में आई आंधियां से लेकर 1998 चाची 420 तक का सफर रहा। 1959 में मधुमती फिल्म में किरदार निभाने को लेकर उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। जॉनी वॉकर हर किरदार को ऐसे निभाते थे जैसे वो किरदार उन्हें ही सोचकर बनाया गया हो। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं जॉनी वॉकर के संघर्ष से शुरू हुई सफलता तक की यात्रा, जो वाकई में बेहद प्रेरणादायक है। 11 नवंबर 1926 को ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आने वाले इंदौर रियासत के इंदौर जिले में जन्मे वॉकर, जिनका वास्तविक नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में रहकर ही की, लेकिन अचानक उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद वो पिता के साथ मुंबई चले गए, जहां उन्होंने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट में बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया। कहा जाता है कि अपने सफर के दौरान जब भी उन्हें स्टॉप को बुलाने का मौका मिलता था, वो अपने हास्यपूर्ण तरीके से बुलाया करते थे और अपने इम्प्रेशन और ट्रिक्स के जरिए अपने यात्रियों का मनोरंजन किया करते थे। उनकी यही कलाएं आगे चलकर उनके लिए वरदान साबित हुए। कहा जाता है कि एक बार बलराज साहनी ने उन्हें अभिनय करते हुए देख लिया था, जिससे खुश होकर उन्होंने गुरुदत्त से उन्हें मिलवाया। बलराज साहनी उस समय बाजी की पटकथा लिख रहे थे और हलचल में अभिनय कर रहे थे। उन्होंने काजी को गुरुदत्त के सामने अपने शराबी अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए कहा। उस मुलाकात से उन्हें बाजी में रोल मिल गया। ये गुरुदत्त ही थे जिन्होंने उन्हें जॉनी वॉकर नाम दिया था, जो स्कॉच विस्की के ब्रांड का संदर्भ था, जब वो एक शराबी की भूमिका में काजी के प्रदर्शन से प्रेरित थे। उसके बाद उनके जीवन की दशा ने करवट बदल ली और वो बदरुद्दीन से जॉनी वॉकर के रूप में फेमस हो गए। उसके बाद लगातार उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें जाल, आंधियां, बाज, लाल परी, शहीद आजम, भगत सिंह का किरदार भी था और एक एक करके ऊंचाई की सीढ़ियां चलते चले गए। वहीं 29 जुलाई 2003 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।